हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला गया है कि एक स्पाइरल बना हुआ है और स्पाइरल के अंदर कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसा कि यहाँ फिगर में दिया गया। ठीक है, जो सेमी सर्कल्स हम बना रहे हैं उनका जो रेडियस है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है? पहले सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तीसरे का 1.5, चौथे का 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये सब ऐसे बढ़ बढ़ के क्या बन गया है? सेमी सर्कल बन गया है। हमें इस स्पाइरल की लेंथ बतानी है फॉर 13 कंजेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब इस तरह के 13 सेमी सर्कल्स को बना के जो स्पाइरल बना है उसकी क्या लेंथ होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन को समझते हैं। पहले सबसे पहले ये एक सेमी सर्कल हमने ये बनाया, मैंने ब्लैक से मार्क किया है, सबसे पहला सेमी सर्कल ये बनाया और इसका रेडियस क्या था? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये दूसरा सेमी सर्कल बनाया और इस दूसरे वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या था? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये तीसरा सेमी सर्कल बनाया और इस तीसरे का क्या था? 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस। सिमिलरली फिर हमने ये चौथा बनाया। देखो, मैंने हर सेमी सर्कल के बाद एक छोटा सा गैप छोड़ दिया है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये सेमी सर्कल्स है। ठीक है, इसका क्या था रेडियस? 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने सेमी सर्कल में सेमी सर्कल बनाते गए, रेडियस को 0.5 सेंटीमीटर बढ़ाते गए। ठीक है, तो उस तरह से हमें एक स्पाइरल मिल जाएगा, हमें उस स्पाइरल की टोटल लेंथ बतानी। तो अगर कोई मुझे बताए कि ये जो हमने छोटा सबसे पहला सेमी सर्कल बनाया है इसकी लेंथ क्या होगी, सॉल्यूशन में करते हैं। चलो, सबसे पहली बात तो एक सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? ये एक सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ क्या होती है? तो हमें पता है सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल के लिए होगा 2πr अपॉन 2 से 2 कैंसिल, पाए आर, इसीलिए हमें यहां पर बोला भी गया कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पाई आर। तो एल वन मतलब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल वन क्या होगी? पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल टू क्या होगा? पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब L2 क्या है? ये दूसरे वाला सेमी सर्कल है, जॉइंट है ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सेमी सर्कल बना रहा है। तो ये जो L2 है, L2 इज व्हाट? दिस इज L2, ये L1 था। तो ये जो L2 है इसकी लेंथ क्या होगी? पाए इंटू आर, दैट इज पाए इंटू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारा L3 है, मतलब ये वाला L3 कौन सा है? ये वाला, ये जो हमारा L3 है इसके लिए रेडियस क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। तो L3 हमारा क्या होगा? पाए इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से L4 क्या होगा? पाए इंटू 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी AP क्या बन रही है? पाए इंटू 0.5 सेकेंड टर्म, पाए इंटू 1 थर्ड टर्म, पाए इंटू 1.5 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स? सो ऑन तो हमने लिख दिया, कितनी टर्म्स? तो यहां पर हमें कितने सेमी सर्कल्स लेने हैं? 13 सेमी सर्कल्स लेने हैं, तो अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, अब अगर मैंने, रिपीट करता हूं पुराने वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैंने बोला होता कि 13 में सिर्फ 2 सेमी सर्कल्स हैं, एक ये वाला और एक L1 और एक L2, और जो स्पाइरल बना उसकी लेंथ बताओ, तो आप क्या करते? पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1, इन दोनों को ऐड कर देते बेसिकली। तो
तो अब जब हमें 13 सेमीसर्कल्स का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 13 टर्म्स आपस में ऐड कर देंगे। 13 टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, बेसिकली हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है S13 हमें निकालना है, ठीक है, S13 हमें निकालना है। एक चीज और, अगर मैं S13 चलो निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। तो इसमें देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पाई को कॉमन ले सकता हूं, मैं अगर पाई को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस सो ऑन, ये बचेगा, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पाई को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, जस्ट टू मेक माय कैलकुलेशन सिंपलर। इमेजिन 22/7 इंटू 0.5, अगर आपको ये एज अ फर्स्ट टर्म ए लेनी पड़ेगी, फिर आप बी निकालोगे, तो कैलकुलेशन पाई के साथ 22/7 के साथ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो कॉमन टर्म है उसको हम बाहर ले सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज पाई इंटू सम ऑफ 13 टर्म्स, राइट। इन 13 टर्म्स का हम सम निकाल लेते हैं और उसको एट द एंड सम को निकालने के बाद हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दिस पार्ट, ये जो पूरा पार्ट था, दिस वॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये आपको फाइनल आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसे बॉक्स कर देता हूं। तो हमें क्या निकालना है, हमारी जो एपी बनी है, पाई कॉमन ले लिया मैंने, वी हैव टू फाइंड 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, ओके। सो इसके लिए हमारे पास ए क्या है, 0.5 है, बी क्या है, 1 माइनस 0.5 अगेन 0.5 है, और एन क्या है हमारे पास, एन है 13। तो हम अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं सीधा एस 13 का फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस 13 विल बी 13 अपॉन 2 इंटू 0.5 दैट इज 2a प्लस 13 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी, डी अगेन इज 0.5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 13 अपॉन 2 इंटू 0.5 विल बी 1 प्लस 13 माइनस 1 इज 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, तो 13 इंटू 7 अपॉन 2, एस 13 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट दैट टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल विल बी इक्वल टू पाई इंटू एस 13 सेंटीमीटर्स। रेडियस कितने हैं, सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो जब हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं तो वो सेंटीमीटर्स में आएगी। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इज 22/7 इंटू एस 13 इज 13 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 और 22 11, तो 13 इंटू 11 सेंटीमीटर्स, that will be equals to 143 centimeters. This is our final answer. ठीक है, तो सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पाई को कॉमन ले लिया, अगर पाई को इसमें रखते आंसर सेम आता, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा है, हर एक सेमी सर्कल की लेंथ निकाली, जब हमने हर सेमी सर्कल की लेंथ निकाली तो वो एपी में आई, हमसे टोटल लेंथ पूछी गई है 13 सेमी सर्कल्स की, तो हमने 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ को आपस में ऐड कर दिया, पाई क्योंकि कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया और उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। दिस पाई को कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट इज सेम एज अगर हम करें 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन है,
हम कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर सेम आएगा 3 टू 5 6, 6 टू 12, यहां से 12 आएगा और आप इनको सेपरेटली करेंगे तो वो भी 12 आएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज करा है। ओके।